क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया भर के सरकारों के पास नोट छापने की मशीन है तो ये सरकार ढेर सारा पैसा छाप सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? सोचिए अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए तो क्या होगा? अरे भाई समीर सब अमीर होंगे और क्या होगा, सब अंबानी बन जाएंगे, ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब, गरीबी तो मिट ही जाएगी, किसी को काम करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, बस सुबह उठो और पैसे उड़ाओ और उड़ाते रहो, फिर कोई भी भूखे पेट नहीं सो पाएगा, ना किसान मरेगा ना किसी को सरकार से शिकायत होगी, तब तो कोई भीख भी मांगते हुए नज़र नहीं आएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन एक मिनट ज़रा ठहरिए, अपने सपनों को ब्रेक लगाइए, ज़रा अनलिमिटेड पैसा छप गया हर तरफ हाहाकार मच जाएगा, आज इसी सब सवाल से पर्दा उठाएंगे और इसे सुलझाएंगे। आपको ये समझने के लिए ये फॉर्मूला बैठ जाना जरूरी है कि किसी भी देश की उत्पादन करने की क्षमता, कितने गुड्स हैं उसके पास और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, उस देश की जनता सर्विसेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर ऑटोमेकल तक जितनी भी गुड्स का मतलब दलहन तिलहन से लेकर कोल तक जितनी भी हैं, जितनी भी उसी देश के पास सर्विसेज होती हैं, उतनी ही करेंसी उतनी ही मुद्राएं उस देश के पास होनी चाहिए। ये फाइनल फॉर्मूला किसी देश में उत्पन्न होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज कीमत बराबर देश की मौजूदा मुद्रा। इसे थोड़ा सिंपल में समझाते हैं तो मान के चलिए देश बड़ा बाजार है, वहाँ एक सीमित गुड्स हैं, वहाँ मान के चलिए उस प्रोडक्ट खरीदी और बिक्री के लिए जिन टोकन का प्रयोग किया जाता है वो ही करेंसी, अगर हम करेंसी की संख्या बढ़ा दें तो भी उस देश में प्रोडक्ट से गुड्स की संख्या में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती हो। होगा ये कि पैसा ज़्यादा होगा लेकिन गुड्स नहीं, कन्फ्यूज ही लगा होगा। तो इसे चलिए थोड़ा सा इजी करके समझाते हैं। अब इस बात को उदाहरण के जरिए समझते हैं तो किसी देश में पांच लोग रहते हैं, सबके पास 100-100 रुपए हो, उस देश में 50 किलो चावल पैदा होते हैं तो उस 50 किलो चावल का टोटल कीमत कितनी होगी? 100 × 5 = 500। अब मान लीजिए उस देश के पास नोट छापने की मशीन है, उन्होंने बहुत सारे नोट उन्होंने छापे और सब में बांट दिए, सबके पास अगर 1000-1000 रुपए हैं तो अब 50 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? 1000 × 5 = 5000। अब उन्हीं 50 किलो के चावल की कीमत 500 से 5000 हो गई। क्या आपने गौर किया? मतलब हो तो आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा विस्तार से आपको समझा देते हैं। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। मान लीजिए सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए, सब माला माल हो गए, 10-12 करोड़ आ गए। जब आप मार्केट में साबुन खरीदने के लिए जाओगे तो उसकी कीमत 50 रुपये होगी। दुकानदार भला आपको इतने कम पैसों में क्या देगा, आपके पास तो बहुत सारा पैसा। अरे भाई दुकानदार के भी लालच बढ़ेगी, धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगी, साबुन से लेकर हर चीज़ आसमान पर रहेगी, कच्चे माल से लेकर पक्के माल तक सभी वस्तुएं मिलेगी, पर दाम थोड़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सब जानते हुए भी इतिहास गवाह है कि दो देशों ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छापा, इससे गरीबी मिट सकती है। उन्होंने सोचा उन दो देशों में से पहला देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, जर्मनी ने बहुत सारे देशों से कर्ज लिया था, युद्ध में हुए हार के बाद वो कर्ज चुका ना पाया। जर्मनी ने सोचा खूब सारा पैसा छाप अपना कर्ज उतार देंगे। क्या क्या था जर्मनी ने यही किया, उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट छापा और नतीजा ये हुआ कि मुद्रा की वस्तु वैल्यू अमूल्य हो गई और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरा देश है जिम्बाब्वे। बहुत साल पहले जर्मनी जैसी गलती की थी और बहुत सारे करेंसी छापी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का मूल्य अमूल्य 1000 गुना बढ़। अब लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ खरीदने के लिए भी बैग भर के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि करेंसी ज़्यादा छापने से वहाँ की करेंसी का डेट वैल्यू हो गया, इतना हो गया कि एक USD की कीमत 25 मिलियन हो गई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जितने नोट छापेंगे उतनी ही आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। करेंसी नोट जो हम यूज़ करते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है। कितनी आसान कितने सामान के बदले आप उस नोट को देते हैं, जैसे कानून द्वारा अथराई है कि आप किसी सर्विसेज के बदले उस नोट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी देश के अपने करेंसी प्रिंट करती है तो उस देश की सेंट्रल बैंक उस देश की JDP राजकोष गत इस तरह से अनलिमिटेड जैसा नहीं छापा जा सकता। भारत की RBI तय करती है कि कब और
कितने करेंसी प्रिंट करनी है। तो चलिए, पैसा छपता कहाँ है, इनका पेपर कहाँ से आता है, इनका क्या है, कैसे होता है। सबसे पहले, पैसों का पेपर कहाँ तैयार होता है। भारतीय पैसों का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इनके पास पेपर बनाने की आधुनिक मशीन है। पहला देश है अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का एक वर्ष, तीसरा है विंडन, चौथा है लेथलस फेजर। हमारे देश में पैसे छापने की मशीन कहाँ है। पहला है MP के देवास, दूसरा है मैसूर, तीसरा है सैलोनी, चौथा है नासिक में है। देवास में नोटों की स्याही 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छापते हैं। उसके अलावा हमारे देश में पेपर मिल 4, बैंक नोट ट्रस्ट 4, सॉलमैन ट्रस्ट के 4 शहरों में मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा शामिल हैं। वहाँ पर नोट छपाई के पेपर छंगबाद और विदेशों से इनपुट किया जाता है। इंडिया में पेपर का 3 जगह का यूज़ होता है। नंबर 1 महाराष्ट्र करेंसी नोट फ्रेश CNP से आता है। दूसरा जो आता है ज़्यादातर पेपर MP के अहमदाबाद के मिल से आता है। दूसरा कुछ पेपर विदेशों से इनपुट किया जाता है। नोट बनाने के लिए खास पेपर और खास स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्याही निवास के बही और सिक्किम में बनती है। पैसे कैसे छापे जाते हैं। विदेशी और गुड्सबाद से पेपर आए सिमेंटली मशीन में डाला जाता है। उसके बाद से दूसरे मशीन इन टैपू मशीन में डाला दिया जाता है। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे नोट और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। नोट और सही नोट पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं। इंडिया रिजर्व बैंक के देश 18 ऑफिस हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, बुनाई, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नानपुर, पटना, तिरुपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ। सबसे पहले नोट इन ऑफिसर्स में पहुँचते हैं। इसके बाद अलग अलग बैंकों में भेजा दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप करेंसी की जुड़ी हर जानकारी मिल गई होगी जिसे आप अभी तक क्या करते थे। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर लिखे सब्सक्राइब बटन क्लिक, साथ ही पहला क्यों कर। मैं अगले वीडियो में तक के लिए टेक केयर।